नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम बेल्ट बंद भर्ती को लेकर के, यानी कि मामला है पुलिस से जुड़ा हुआ। अगर कोई भी मेरा भाई बहन पुलिस में भर्ती होना चाहता है तो ये वीडियो उसी के लिए है। उत्तर प्रदेश में निकलने वाली ये जो सब इंस्पेक्टरों की भर्ती है, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। इसमें काफी कुछ अपडेट हुए हैं। दूसरी बात, सिलेबस में भी काफी चेंज हुआ है, भर्ती प्रोसेस में भी इसका असर पड़ेगा, और वो भी चेंज आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, इस चीज को समझे बिना अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश SI भर्ती जो है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें जो दो बड़े चेंज हुए हैं उसको लेकर के क्या स्थिति है। तो सबसे पहला चेंज और सबसे जरूरी चेंज वो यही है कि इसके पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि काफी सारे और भाई बहनों को मौका मिल सकेगा सरकारी जॉब में आने का। तो पदों की संख्या हम देखें तो पहले करीब 6000 के आसपास थी, और अब ये पदों की संख्या हो गई है 9500 के आसपास। तो कुल पद देखें तो 9484 है जिन पर भर्ती होनी है। इन भर्ती के पदों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपके सिविल पुलिस, ठीक है ना, जो आपके सिविल पुलिस होती है UPSI, उसकी भर्ती है। दूसरी प्लाटून कमांडर जिसे कहते हैं, उसकी भर्ती है होने वाली है। तो दो भागों में, दो कैटेगरी में पदों को बांटा गया है। अब बड़ी बात आती है योग्यता को लेकर के। तो योग्यता में सिंपल रखा गया है बिल्कुल, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, कितने भी मार्क्स से, कितने भी परसेंटेज मार्क्स से ग्रेजुएशन पास है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ये एक सबसे बढ़िया इसमें पॉजिटिव पॉइंट है। बस आप पूरी तरीके से स्वस्थ होने चाहिए और आपको इस भर्ती में शामिल होने की बिल्कुल दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है। आगे सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कहां आपको मेहनत करनी है, किन दो चीजों पे आपको मेहनत करनी है, तब आप ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अब दूसरी बात देख लेते हैं कि स्थिति क्या है। तो इसमें जो टेंडर प्रक्रिया है वो करीब करीब हो चुकी है, और इसके थ्रू ये भर्ती होगी। एजेंसी अपना इसका सिस्टम तय करेगी, उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती होनी है। अब बात कर लेते हैं इसके आवेदन को लेकर के। तो आवेदन की मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सितंबर अक्टूबर में आपके आवेदन आ सकते हैं। तो अभी संभावना बन रही है सितंबर मिड तक इसके आवेदन आने की, ठीक है, और अक्टूबर तक इसके आवेदन में आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि एक महीना और इसके आसपास आपको टाइम दिया जाएगा इसके आवेदन करने का। तो एक बात क्लियर रखना, इस एक महीने में आपको आवेदन कर लेना है, साथ साथ अपने सारे कॉन्सेप्ट भी भर्ती के प्रति क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम है ये दिसंबर जनवरी के आसपास जाके हो सकता है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी टेंटेटिव मंथ सरकार ने बता दिया, और यूपी बीएड और बीयू एग्जाम को देख करके हम समझ सकते हैं कि सरकार अब तय समय पर एग्जाम कराने के मूड में है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिसंबर जनवरी में इसका रिटर्न एग्जाम हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी फीस की। अगर मान लीजिए आप जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो भाई आपकी फीस लगेगी फॉर्म की 500 रुपीज। अभी इतना हो सकता है, फीस में उतार चढ़ाव चेंज हो सकता है। SC ST की बात करें तो 250 रुपया फीस है। फीमेल भी इसी कैटेगरी में शामिल हो सकती है, ठीक है। तो बाकी इसमें चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि ये फीस का मामला है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, मैंने बताया दी आपको एग्जाम की, तो एग्जाम आपका दिसंबर में संभावित है, और हो सकता है कि दिसंबर में या नहीं तो जनवरी में आपका एग्जाम क्लियर सरकार कराने की कोशिश करे। अब बात कर लेते हैं यहां एज लिमिट की। तो एज लिमिट में भी थोड़ा बदलाव किया गया है, ठीक है। अब मिनिमम और मैक्सिमम हम देखें तो मिनिमम एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 साल है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। 21 साल से कम का बंदा इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएगा, और 30 साल से अधिक का बंदा इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएगा। मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल। 1 जुलाई 2020 को भर्ती की इसकी एज की गणना होगी, यानी कि 1 जुलाई 2020 को आपकी एज मिनिमम 21 साल हो जानी चाहिए, यानी आप चाहे 21 साल एक दिन बड़े ही हो आप आवेदन कर सकते हैं, और 30 साल अगर एक दिन बड़े हुए तो आप आवेदन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन कैटेगरी में छूट है, रिजर्वेशन में छूट है, ओबीसी SC ST सभी कैटेगरी को छूट है। तो ओबीसी की बात करें तो 3 वर्ष की छूट है, SC ST को 5 वर्ष की छूट है, बाकी भी और लोगों को भी छूट है उसके हिसाब से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पूरा डिटेल में आराम से पढ़ना बैठ करके एक एक चीजों को, ठीक है, क्योंकि सभी चीजें वीडियो बताना संभव नहीं होती है। तो इसलिए आपको भी ये ड्यूटी बनती है कि आप आवेदन को आराम से पढ़ें, और जो इसके डिटेल्स हैं उनको भी आराम से पढ़ें, और उसके बाद अपना मानस बनाएं किस तरीके से आपको आवेदन करना है। क्योंकि काफी सारे मेरे भाई बहन हैं जो ओबीसी या अदर कैटेगरीज में होते हुए जनरल में अप्लाई करते हैं, तो उनका व्यू एकदम क्लियर रहता है। अब बात कर लेते हैं यहां हम योग्यता की। तो बताया गया मैंने आपको ग्रेजुएट इसकी योग्यता रखी गई है, आप किसी भी सब्जेक्ट से, कितने भी परसेंटेज मार्क्स से ग्रेजुएट होने जरूरी है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें अदर स्टेट की। ये बड़ा सवाल होता है, सर क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई आप किसी भी स्टेट से हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो,
बस आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है, आपको जनरल कैटेगरी से ही आवेदन करना पड़ेगा। तो आप इसमें 10% जो इसमें रिजर्वेशन कोटा है अदर स्टेट के लिए उसमें शामिल हो सकते हैं, 20% तो महिलाओं के लिए, तो मेरी बहनें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। 10% मतलब करीब 950 पद, 20% मतलब करीब 1900 पद, तो 1900 पद तो महिलाओं के लिए अलग से हैं, 10% अलग स्टेट वालों के लिए, तो ये पदों की संख्या काफी अच्छी है। बाकी भी कैटेगरीज को अलग अलग रिजर्वेशन यहाँ दिया हुआ होता है। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की या भर्ती के पैटर्न की। तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, ये बात आपको सबको क्लियर होनी चाहिए। अब रिटन एग्जाम के लिए आपको 4 फेजों में एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब इन 4 फेजों में आपको हिंदी है, मैथ है, 2 चीज आपकी ये हो गई, तीसरी आपकी रीजनिंग है, चौथी आपकी जीके और जीएस वाला पार्ट है, यानी कि सामान्य ज्ञान विज्ञान वाला पार्ट है। अब ठीक है, ये एग्जाम आपका 400 मार्क का होगा और आपको इसमें 35% अंक लाने ही पड़ेंगे। पहले 55% अंक लाने पड़ते थे, अब आपको 35% अंक लाने हैं, और ईच कैटेगरी में ईच पार्ट में आपको लाने पड़ेंगे। ये इसमें चेंज है, 50 की जगह आपको 35% कर दिया है और प्रत्येक पार्ट में लाना है, ये क्लियर होना चाहिए। अब आप इसमें किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं ये बताता हूं। तो देखो, हिंदी वाला पार्ट है इसमें आपको मार्किंग अच्छी खासी हो सकती है, रीजनिंग वाला पार्ट है इसमें आपको मार्किंग अच्छी खासी हो सकती है, जीके वाला पार्ट है उसमें एक्चुअली पता नहीं होता कहां से क्या आएगा, सिलेबस दिया हुआ होता है लेकिन फिर भी सामान्य ज्ञान इसको कहते हैं, सामान्य ज्ञान में कुछ भी शामिल हो सकता है, तो ये थोड़ा सा टफ पार्ट हो सकता है, इसमें क्या आएगा ये पता नहीं होता, तो ऐसे में मेहनत आप जरूर करें लेकिन हिंदी और रीजनिंग में मार्क्स खींचने की कोशिश करें। अब जिनकी मैथ अच्छी है वो मार्क अच्छे ला सकते हैं, लेकिन जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है वो जीके में मेहनत करके मैथ वाला पार्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से आपको मेहनत करनी है और इस तरीके से आपको नंबर खींचने हैं, प्रत्येक पार्ट में 35% भाई आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। बाकी के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें छूट हो सकती है। अब नेगेटिव मार्किंग देखें, तो लास्ट टाइम जब एग्जाम था तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, तो सोच समझ के उत्तर को चुनना है, सोच समझ के टिक करना है, गलतियां नहीं करनी है पेपर देते टाइम, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम के बाद आप सेकंड फेज में जाएंगे और उसमें आपको डबल बुलाया जाएगा जितने भी पद हैं उसका, तो ज्यादा भी हो सकती है संख्या, क्योंकि इसमें आपका फिजिकल होगा, इसके बाद बाकी फेजेस होंगे जिसमें आपको सबको क्वालिफाई करते हुए भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं, इस भर्ती में आप जो है पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था सिलेबस और सिलेबस में परिवर्तन, यानी कि सिलेबस में आप देखें तो 4 पार्ट में आपको 35% लाने ही और नेगेटिव मार्किंग इस बार कर दी गई है। एज लिमिट में आपको मैंने बताया 21 से लेकर 30 साल होनी चाहिए, योग्यता मैंने आपको बताई BA यानी कि ग्रेजुएशन हो सकते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट से कितने परसेंट मार्क्स से, ठीक है। अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, 10% रिजर्वेशन है उनका, लेकिन उनको रिजर्वेशन उनकी कास्ट के आधार पर नहीं मिलेगा, उनको जनरल में आवेदन करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए 20% रिजर्वेशन है, 9000 यानी 9500 के आसपास इसमें पदों की संख्या जो मैंने आपको बता दी। फिर भी कोई क्वायरी आपकी तो आप पूछ सकते हैं वीडियो के में कमेंट करके, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।